हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको डॉक्टर मनोहर एक जी की बुक से न्यू सिलेबस 2023-24 उसके अकॉर्डिंग जो बुक पब्लिश होकर आई है वह कोर्स मैं करा रहा हूँ। तो आपका जो टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशन ज्यामिति, इसमें मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7B ध्यान रखना न्यू सिलेबस 2023-24 के अकॉर्डिंग उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 17 तक हल करा दिया था। ठीक है बेटा, आज क्वेश्चन नंबर 18 को हल करेंगे। 18वें क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा है एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या दिया हुआ बेटा? सम चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज हमारे सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो सम चतुर्भुज मतलब उसकी भुजाएं क्या कैसी होंगी? बराबर। प्रत्येक भुजा कैसी होगी? बराबर। ये मान लो सम चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, सम चतुर्भुज ABCD है और उसका निर्देशांक दिया हुआ है 3, 0, 4, 5, 3, 0, 4, 5। अगला दिया हुआ है ऋण 1 और 4। अगला दिया हुआ -2, -1, -2 और -1। और मुझसे इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा। हालांकि क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये हिंट भी दिया हुआ है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल यह होता बेटा 1/2 d1 a2 d2। अब d1 d2 क्या? d1 तथा d2 ये विकर्ण है हमारे। ठीक है बेटा, ये हमारे क्या है? विकर्ण। ठीक, तो यह हम सूत्र लगा सकते। देखिए बुक में हिंट में लिखा हुआ है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो देखो बेटा, आप सबसे पहले विकर्ण निकाल लें। तो एक विकर्ण हो गया आपका AC, एक विकर्ण हो गया आपका BD। तो हम विकर्णों को निकाल लें। तो देखिए विकर्ण AC, अब विकर्ण AC का मतलब क्या हो गया? 3, 0 और -1, 4 के बीच की दूरी, इसको हम d1 मान लें। पहला विकर्ण d1 मान लीजिएगा। तो 3 -1 तो प्लस का 1 हो गया था होल वर्ग, प्लस 0 -4 का होल वर्ग। तो यह हो गया 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, -4 का वर्ग 16। तो ये हो गया √32। 4 * 16 = 32, तो 4√2। ये हमारा पहला विकर्ण। विकर्ण दूसरी बात करते हैं बेटा, विकर्ण BD। अब हम निकालेंगे दूसरा विकर्ण BD। तो BD का मतलब हो गया 4, 5, 4, 5 तथा -2 और -1 के बीच की दूरी, इसको हम d2 मान लें। तो देखिए 4 -2 तो +2 हो गया का होल वर्ग, प्लस 5 -1 तो +1 का वर्ग। तो ये हो गया 4 और 2 = 6 का वर्ग 36, 5 * 6 का वर्ग 36, तो √72। 6 × 6 × 2 तो 6√2 हुआ गया। तो अब आपने दोनों विकर्ण ज्ञात कर लिए, आपको नीचे लिखना है अतः सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बेटा आप जान रहे हो 1/2 d1 कितना है? 4√2 इंटू d2 कितना है? 6√2। तो देखिए 6 * 6 = 24/2 और √2 हो गया ये और ये मिलकर 2, तो इसको काट दीजिएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 24 वर्ग इकाई। बिल्कुल सिंपल है बेटा, क्योंकि बात की है यहाँ सम चतुर्भुज की, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। मतलब d1 मैंने जैसे इसको पहले वाले विकर्ण को d1 मान लिया, ठीक है बेटा, ये वाला d2 मान लिया, तो मैंने इन दोनों का मान निकाल कर और मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आया 24 वर्ग इकाई। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कहा गया बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो जहां AB एक वृत्त का व्यास है। देखो बेटा
इस तरह का एक ए बी रहा होगा जो व्यास है। व्यास क्या होता है? जो केंद्र से होता हुआ जाए, ए कोमा बी, ये व्यास है। एकांत निर्देशांक पूछा है जिसका केंद्र 2, -3, केंद्र दिया हुआ 2, -3, ठीक। जिसका केंद्र 2, -3 है और बी का निर्देशांक 1 और 4, एक का निर्देश देखो बेटा, ये चूंकि केंद्र बिंदु है, इसको जैसे ओ मान लो, तो केंद्र जो है वह इन दोनों का मध्य बिंदु होगा, तो इधर का कोऑर्डिनेट x1, y1 मान लीजिएगा, तो आप लिखोगे 2 बराबर, मतलब बीच वाला बिंदु क्या होता है x1 + x2/2, सिंपल। इधर -3 बराबर y1 और +y2 हमारा 4/2, तो ये हो गया 4 = x1 + 1, तो x1 = 4 - 1, यानी कि x1 = कितना आ गया 3, तो ये का एक कोऑर्डिनेट कितना निकला 3। इधर देखो ये हो गया -6 = y1 + 4, तो -6 - 4 = y1, तो y1 हो गया -10। तो हमारा जो बिंदु A का निर्देशांक निकला है, बिंदु A वो निकला है +3, -10। बिल्कुल सिंपल है बेटा, इसमें कोई ज्यादा कठिनता नहीं है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह एक वृत्त का व्यास, तो मैंने चित्र बना दिया है। यह व्यास जब दिया तो हमारा जो केंद्र है वह मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु का सीधा सूत्र होता है बीच वाला x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। यह मैंने सूत्र लगा दिया, पीछे आप सीख चुके। आगे बेटा इन्होंने कहा 20वें क्वेश्चन में उस बिंदु के निर्देशांक बताओ, इस क्वेश्चन को समझिएगा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3, 4, देखो बेटा इधर बिंदु दिए हैं -3, -4 बिंदुओं, इसको आप पहले एक कोऑर्डिनेट मान लो, ठीक है, बिंदुओं और 2, 1, 2, यहाँ पे इसको बी मान लीजिए, से खींचे गए रेखाखंड को 3:2 में बाहते बेटा, देखो 3:2 में विभाजित कर रही, वो भी बाहता, तो इधर बाहर कोई बिंदु मान लो पी रहा होगा, इसका कोऑर्डिनेट मैंने एक्स मान लिया। अनुपात हमारा देखो, ये भाग आपका 3 हो गया और ये भाग आपका 2 हो गया, ठीक है, तो अनुपात हो गया 3:2, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा बी और आगे होगा, आप केवल यहाँ पे समझना है यह अनुपात दिया हुआ है और बाह्यतः विभाजन है। कैसा विभाजन है बेटा? बाह्यतः। ये इन्होंने कहा बेटा कि जो बिंदु है वह बाह्यतः विभाजन है, बाह्यतः विभाजन, बहुत ध्यान से समझिएगा, बाह्यतः विभाजन दिया, तो उसे इसी बिंदु का निर्देशांक पूछा है। तो देखो बेटा बिल्कुल सिंपल है, इस एक्स बराबर, जब एक्स बराबर निकालेंगे तो हम करते, देखो बेटा अगर आपको ध्यान हो तो ये होता है m अनुपात m, याद रखने के लिए, ये पहला कोऑर्डिनेट होता है x1 y1, ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट होता है x2 y2, इन बातों को थोड़ा याद रखिएगा। तो x बराबर होता है mx2 - nx1/m-n, चूंकि बाह्यतः विभाजन, y बराबर होता है m/2 - n/1/m-n, इस सूत्र में रख दीजिएगा। तो देखो बेटा m का मान 3 है, x2 उधर का कोऑर्डिनेट 2 है माइनस, n का मान 2 है और x1 का मान -3 है, बटे 3 - 2, तो ये हो गया 6 + 6/1, तो कितना आ गया 12, ये हमारा x का मान है, बिल्कुल सिंपल है। आगे देखिए y बराबर m/2 आपका कितना 1, माइनस m/1 हमारा -4 बटे 3 - 2, क्लियर, तो ये हो गया 3 - -+8 बटे 1, तो आंसर कितना है 11, तो y बराबर हमारा क्या आ गया 11। अब इन्होंने ये जो कहा है बेटा, उस बिंदु के निर्देशांक जो -3, -4 और 2, 1 से खींचे गए रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है, तो हमारा जो बिंदु निकला है जिसको हम P कह रहे हैं वह निकला 12, 11, बिल्कुल सिंपल बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत सरल प्रश्न है, नोट करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 क्वेश्चन में इन्होंने कहा है बिंदुओं ए का कोऑर्डिनेट दिया, बी का दिया। ए दिया 2, -2, बी -7.4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। देखो बेटा सिंपल, हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, फिर भी देखिएगा 2, -2 और जो बी का कोऑर्डिनेट है वह दिया हुआ है -7, -4 समत्रिभाजित, समत्रिभाजित इसका मतलब तीन बराबर भाग समत्रिभाजित करना। तो जैसे ये बेटा ए बी हो गया, यहां पर एक कोई बिंदु मान लिया, एक यहां मान लिया, इनको कोऑर्डिनेट मान लो पी और क्यू। ये दो बीच के कोऑर्डिनेट ऐसे होंगे जो इधर बराबर तीन भाग इनको कर देंगे, तो समत्रिभाजक बिंदु को ज्ञात करने। तो सिंपल बेटा हम इसका कोऑर्डिनेट, वैसे तो एक्स वाई बीच जब एक कोई विभाजक बिंदु होता तो एक्स वाई मान लेते, यहां पर दो है, जैसे मैंने इसको मान लिया ए कोमा बी और ये मान लिया सी कोमा डी। अब ध्यान दीजिएगा जो पी का अनुपात होगा, तो देखिए बेटा इधर एक भाग है और इधर दो भाग है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:2। जब बात क्यू की आएगी तो इधर आपका दो भाग है और इधर कितना एक भाग, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। अब ध्यान से जब बेटा पी को निकालेंगे तो मुझे इससे मतलब नहीं है, केवल ए बी और पी से मतलब है। तो देखो बेटा ए बराबर, पहले ए बराबर, तो देखो पी का निर्देशांक निकाल रहे, तो सूत्र हमारा भाई m x2। अब बार बार सूत्र नहीं लिख रहे, पीछे मैं आपको तीन विभाजन वाला, चार विभाजन वाला ये सब सिखा चुका हूं, m x2 और प्लस m x1 बटे m+n, चूंकि अंदर विभाजन है, और b बराबर आपका क्या होगा बेटा m/2 + n/1 -2 और बटे m+n। ठीक, याद रखो बेटा -7 + 4/3, तो यह हो गया -3/3 यानी कि -1, ये हमारा a का मान आ गया। ठीक, याद देखिए बेटा बराबर 4 - 4/3 दैट्स 0, तुम्हारा b क्या आ गया। तो मैंने जो पहला बिंदु p निकाला है वह निकला है आपका बिंदु p, यहां मैं लिखे दे रहा हूं बिंदु p जो पहला विभाजक बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट आया -1, 0। तो जो पहला विभाजन है वह विभाजन होगा 1:2 में, तो p का निर्देशांक मैंने निकाल लिया -1, 0। अब बात करते हैं q की, बिंदु q में आप जब बिंदु q को लेंगे तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, तो c बराबर, देखो बेटा c बराबर m, अब यहां पे 2 है m x2 और प्लस n x1 2 बटे m+n, सिंपल यहां देखो m+n, तो m को ऐसे लिख दें बेटा जिससे आप 1, 2, 2, 1 लेकिन 2 पहले लिखना। ठीक बेटा, हालांकि कोई फर्क नहीं फिर भी समझाने के लिए, d m/2 प्लस n और -1 -2 बटे m+n। अब देखो बेटा ये हो गया -14 और प्लस के 2/3 -12/3, तो ये आपका -4 आ गया, c का कोऑर्डिनेट। यहां देखिएगा d बराबर 8 - 2/3 तो 6/3 यानी कि आपका d का निर्देशांक कितना आ गया 2। तो आप लिख दोगे बिंदु जो आपने q माना उसका निर्देशांक आ गया -4.2। तो हमारे दो अंतर विभाजक इन्होंने निर्देशांक पूछे हैं कि बिंदुओं 2, -2 और -7.4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो पहला निर्देशांक हो गया -1, 0, दूसरा हो गया -4.2। बिल्कुल सिंपल बात, जब बेटा पी को निकालेंगे तब मुझे इससे मतलब नहीं है, और जब इसको निकालेंगे तब मुझे इससे मतलब नहीं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप तीन भाग, चार भाग, जितने भाग कराए जाए अंतर विभाजन के सूत्र से आसानी से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में इन्होंने ये कहा है बिंदु
ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -2, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3, 7। ये दो बिंदु दिए हैं तो बेटा कोई रेखाखंड बना होगा इस तरह का, ठीक, को जोड़ने वाला रेखाखंड, रेखा। अब एक रेखा बेटा होती है, ये रेखा है, ठीक, एक रेखा दी है और इस रेखा का समीकरण दिया हुआ है 2x + y - 4 = 0। ये हमने ये कहा है रेखा जिस अनुपात में विभाजित करती उसे ज्ञात करो। बेटा ये जो हमारा बिंदु ए और बी है, मान लो रेखा का नाम सी और डी है, ठीक, तो आप मान लो माना कि रेखा सी डी रेखा खंड ए बी को एम अनुपात एन में विभाजित करती है। किस अनुपात में बेटा? एम अनुपात एन में विभाजित करती है, ठीक है, यहां पर ये विभाजित करे, इधर मान लिया एम, इधर मान लिया एन, बहुत सिंपल है। अब बेटा प्रतिच्छेद में जो इंटरसेप्ट पॉइंट होंगे वह मैंने मान लिए एक्स कॉमा वाई है, इसको मैंने एक्स कॉमा वाई मान लिया, ठीक है, एवं प्रतिच्छेद बिंदु इनको मान लिया एक्स कॉमा वाई है, क्लियर, चूंकि रेखा एक्स वाई है तो ये अनुपात एन ये हमको बेटा निकालना, तो सिंपल सा, सबसे पहले देखो बेटा इधर जो इधर वाला होता वो होता एक्स वन वाई और ये वाला होता एक्स टू वाई, बीच का एक्स वाई, तो देखो सबसे पहले आप निकालोगे एक्स वाई, एक्स बराबर एम एक्स टू और एक्स टू का मान है 3 प्लस एम एक्स वन, एक्स वन का मान है 2/m + n, तो ये आपका हो गया 3m + 2m/n, ये x का मान निकल आया, बिल्कुल सिंपल है बेटा। y की बात करते हैं तो m/2 का मान कितना 7 प्लस n, y1 का मान -2/m + n, तो y का मान हो गया 7m - 2n/m + n, ठीक। अब x और y के मान रेखाखंड CD में, रेखा ये तो अलग रेखाखंड की बात है, CD में रखने पर, क्यों वो बेटा प्रतिच्छेद बिंदु है तो उसको संतुष्ट करेगा, तो देखो बेटा 2x = 3m + 2n/m + n, सिंपल, प्लस y की जगह आप लिखोगे 7m - 2n/m + n और बराबर 4 दिया, -4 = 0 तो बराबर 4 कर दीजिएगा, m plus n लघुत्तम हो गया दोनों तरफ गुणा, तो देखो बेटा m plus n तो उधर चला जाएगा, यहाँ इसका 2 का तो देखिए 6m + 4m + 7m - 2n = m + n उधर जाएगा तो 4m + 4n, अब देखो बेटा 6m और 7m 13m हो गया, ठीक है, उसके बाद 4n - 2n तो 2n रह गया, इनको इधर ले आए तो माइनस का 4m और माइनस का 4n = 0, 13m में से 4m गया तो आपका बच गया 9m, 2m में से 4n गया तो -2n = 0, तो 9m = 2n, तो m/n = 2/9, तो फाइनली हमारा m/n = 2/9, तो यह जो विभाजक बिंदु होंगे वो हमारे निकले हैं 2/9, बिल्कुल सिंपल बेटा। एक रेखाखंड ए बी है, जैसे ये ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, रेखा है 2x + y - 4 = 0 यानी बराबर 4, यह रेखा यहाँ पर इसको प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मैंने मान लिया x कॉमा वाई पर और अनुपात मान लिया एम और एन, मैंने इस रेखा का अंत विभाजन किया तो x का और y का मान निकाला, चूंकि इसको प्रतिच्छेद कर रही है तो ये रेखा जो दी हुई है इसको यह मान संतुष्ट करेगा, मैंने रख दिया,
तो m और n में समीकरण प्राप्त हुआ जिससे मुझे अनुपात 2:9 प्राप्त हुआ। नोट करिएगा बेटा, इसके शॉट लेते जाइएगा, हम आगे चलते जाएं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 में इन्होंने कहा किसी वर्ग, अब वर्ग की बात दी है। देखो बेटा, तो वर्ग इस तरह मान लीजिएगा ए बी सी और डी, ये वर्ग हो गया, ये वर्ग है हमारा, तो ध्यान समझिएगा वर्ग। ठीक, तो वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है और प्रत्येक भुजा बराबर होती है, सम्मुख शीर्ष दिए हैं। तो जैसे यह मान लो 1,2 दिया हुआ है और यह 3,2 दिया हुआ, बिल्कुल सिंपल 3,2 दिया हुआ। ठीक बेटा, आगे उन्होंने कहा वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात करो। देखो बेटा, अन्य दोनों शीर्ष हमको निकाल लें, तो जैसे पहले मैं इसको x,y मान लूं। अब ध्यान दीजिएगा, जो ए बी होगा वही बी सी होगा। तो देखो ए बी बराबर बी सी, ए बी का मान रखिएगा, तो अंडर रूट -1 - x का होल वर्ग, क्लियर, प्लस 2 - y का होल वर्ग बराबर। इधर देखो बी सी अंडर रूट x - 3 का होल वर्ग प्लस y - 2 का होल वर्ग, यहां दोनों तरफ वर्ग कर दो। वर्ग करने पर जब वर्ग किया तो अंडर रूट हट गया, -1 - x का वर्ग प्लस 2 - y का वर्ग इज इक्वल x - 3 का वर्ग प्लस y - 2 का वर्ग होल स्क्वायर। बोल दो, दोनों माइनस है या रहा है, जब प्लस हो जाएगा a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2, दोनों माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा, ये हो गया 4 + y² - 4y इज इक्वल a वर्ग प्लस b वर्ग -2ab y² + 4 - 4y। देखो बेटा 4y² और 4y, ठीक है, ये कट गया, x² जब इधर आ गया कट गया। अब क्या करना है बेटा, 2x और उधर 6x, तो इसको इधर ले आओ, तो 2x + 6x बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा इधर आपका 9 बचा, एक उधर ले जाइए तो 9 - 1, तो फाइनली आपका हो गया 8x = 8। तो x बराबर कितना आ गया, 1। तो मैंने x का मान 1 निकाल लिया। अब बात करते हैं, जैसे x बराबर 1 निकाल लिया, एक क्वाड्रेंट निकल आया। आप देखो बेटा, हम इनके बीच की दूरी का सूत्र यानी विकर्ण AC निकाल सकते हैं। तो देखो विकर्ण की बात करें, विकर्ण AC, अब AC का मतलब हो गया -1,2 तथा 3,2 के बीच की दूरी। तो देखो AC बराबर अंडर रूट -1 - 3 का वर्ग और 2 - 2 का वर्ग, तो फाइनली ये हो गया -4 यानी कि 16 और ये 0 हो गया, विकर्ण आपका कितना आ गया 4। हम ये भी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, चूंकि ये बेटा 90 का कोण होता है, तो AC² बराबर AB² और प्लस BC² BC². तो देखो बेटा AB मैंने अभी निकाला और BC मैंने अभी निकाला, तो इनको क्या करना, अभी देखिए बराबर उधर थे, अब AC² ये आपका 4 का वर्ग 16 है, AB² है, इसलिए देखो बेटा स्क्वायर इसको लिखते हैं, तो आपका आ जाएगा -1 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का स्क्वायर प्लस BC² हो गया x - 3 का वर्ग प्लस y - 2 का वर्ग, सिंपल। देखो 16 बराबर, अब ध्यान दीजिएगा x की जगह 1 कर दो, तो -1 - 1 का वर्ग प्लस 2 - y का वर्ग प्लस 1 - 3 का वर्ग और प्लस y - 2 का वर्ग। देखो 16 बराबर -1 - 1 2 का वर्ग 4 प्लस ये होल स्क्वायर बोल दो 4 प्लस 22 - 4y प्लस 1 - 3 गया 2, तो 2 का -2 का वर्ग 4 प्लस 22 + 4 - 4y। अब देखो बेटा सबको इकट्ठा कर लो, 22 - 22 - 4 - 4 8y
अभी इधर देखो यार, चार चार आठ, चार बारह, चार सोलह, ये कट जाएंगे। इतना समझ में आ गया बेटा? तो आपका बाई स्क्वायर बाई स्क्वायर टू बाई स्क्वायर इज इक्वल जीरो। यहाँ से टू बाई कॉमन ले, जब टू बाई आपने कॉमन लिया तो बाई माइनस चार बराबर जीरो। तो बाई का मान एक बार टू बाई जीरो लिखोगे तो बाई बराबर जीरो आए, एक बार आप बाई माइनस फोर बराबर जीरो लिखोगे तो बाई बराबर चार है। क्लियर? तो जो अब हमारा वर्ग का शीर्ष है, तो वर्ग के शीर्ष आप ये लाइन सबसे नीचे लिखता है, वर्ग के शीर्ष देखो एक्स का मान एक निकला है तो एक कोमा एक तो जीरो हो गया, तथा दूसरा भी एक्स का मान एक है तो उस पर चार है। हमारे वर्ग के शीर्ष, चूंकि वाई के दो मान है तो ये वर्ग की पोजीशन ये रही होगी, एक्स अक्ष पर एक यहां होगा, जैसे इस तरह समझ लीजिएगा, ये मान लो एक दूरी में है तो उसका एक शीर्ष एक कोमा जीरो यानी यहां पर होगा, एक होगा इधर, तो इस तरह की वर्ग की पोजीशन। ठीक है बेटा? तो सिंपल हमारा वर्ग का शीर्ष जो निकल आया वह निकला एक कोमा जीरो और एक कोमा चार। इसका बेटा इसके शॉर्ट साथ में लेते जाइएगा और बने रहिए अंत तक, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सीख जाएंगे। चलते बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 24 में ये कहा गया है, बिंदुओं ए बी सी तथा डी से एक आयत एबीसीडी बनता है। तो सबसे पहले आयत बना लीजिएगा बेटा, आयत, आयत का नाम है ए बी सी और डी, ये आपका क्या बेटा आयत, और ध्यान से समझिएगा आयत। इसके निर्देशांक दिए माइनस एक कोमा एक, माइनस एक कोमा एक, माइनस एक कोमा चार, पांच चार, पांच और चार, और ये दिया पांच माइनस एक, पांच माइनस एक, ये पहले से दे रखा आयत है। इसका मतलब प्रत्येक कोण ये 90 अंश का होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अब पूछा क्या बेटा, पी क्यू आर एस कम से भुजाओं ए बी, अब ए बी का मध्य बिंदु पी है, इसका मध्य बिंदु पी है, इसका मध्य बिंदु है बी सी का क्यू, ये मध्य बिंदु आर और ये मध्य बिंदु है एस। ठीक, ये हमारे क्वेश्चन लिखा है कि पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं, भुजाओं कौन कौन से बेटा, ए बी, ए बी के बाद बी सी, सी डी तथा ए डी के मध्य बिंदु हैं, के मध्य बिंदु हैं। तो सबसे पहले बेटा हम इनके पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट निकाल लें, और ध्यान से समझिएगा पी क्यू आर एस। फिर उन्होंने पूछा है क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग आयत या समचतुर्भुज है। तो देखो वो तो बात की बात होगी, पहले मुझे पी क्यू आर एस के निर्देशांक पता चल जाए। तो देखो बेटा यहाँ P का कोई निर्देशांक रहा होगा, Q का रहा होगा, R का रहा होगा, S का रहा होगा। चाहो तो इसको इस तरह मान लो बेटा, जैसे मैंने ये AB मान लिया, CD, EF या GH, इस तरह मान लीजिएगा, मैंने मान लिया। तो सबसे पहले A और B निकालेंगे, बिंदु P। अब बिंदु P में मैंने पहला कोऑर्डिनेट A माना, A बराबर बेटा मध्य बिंदु क्या होता, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो एक्स वन प्लस एक्स टू बटे दो। बी कैसे निकलेगा, बाई वन प्लस बाई टू बटे दो, तो ये हो गया आपका माइनस दो बटे दो यानी माइनस एक, तो एक का कोऑर्डिनेट माइनस एक आ गया, और डी तीन बटे दो। तो जो हमारा बिंदु पी निकला वह निकला माइनस एक और तीन बटे दो, बिल्कुल सिंपल है बेटा। आगे देखो बिंदु क्यू, बिंदु Q, अब Q की बात करते हैं। Q में मैंने माना है C और D, तो देखो C बराबर X1 प्लस X2 बटे 2 और D बराबर Y1 प्लस Y2 बटे 2, तो C का निर्देशांक 4 बटे 2 यानी कि 2 और D 8 बटे 2 यानी कि 4, तो बिंदु जो Q निकला है वह निकला 2 कोमा 4, बिल्कुल सिंपल। क्यू के बाद आप निकालेंगे आर, बिंदु आर,
आर मैंने ई और एफ माना जो इनका मध्य बिंदु है, तो देखो बेटा ई ई हो जाएगा 5 + 5/2 और एफ हो जाएगा 4 - 1/2। तो ये आपका हो गया 5 10/2 यानी 5 और ये हो गया 3/2। तो मेरा जो आर का निर्देशांक निकला वह निकला 5, 3/2। अब बिंदु एस की बात करते हैं। बिंदु एस, एस को मैंने माना जी और एच, तो देखो पहले जी निकालते हैं। जी बराबर एक इन दोनों को जोड़ के -1 + 5 - 1 + 5/2 और एच का हो जाएगा -1 और -1/2। तो देखो 5 में से 4/2 यानी 2 या 2/2 ये आपका -1। तो आपका एस का जो निर्देशांक निकला 2, -1। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने सबसे पहले क्या किया, पी क्यू आर और एस यानी ये सारे कोऑर्डिनेट निकाल लिए। ठीक है बेटा, एक बार फिर समझो। चूंकि उनका पी क्यू आर एस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी सी डी और ए डी के मध्य बिंदु हैं, तो मध्य बिंदु को क्या करते हैं, पहला पहले में जोड़कर आधा, दूसरा दूसरे में जोड़कर आधा। तो मैंने इस प्रकार बिंदु पी क्यू और आर एस चारों कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब इनसे जो आकृति बनेगी यह आकृति किस प्रकार की होगी, यह हम तभी जान पाएंगे जब बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो बेटा सारे मान हम लिख देते हैं। देखो जो पी का कोऑर्डिनेट आया वो आया -1 और 3/2। ठीक, क्यू का कोऑर्डिनेट हमारा निकला 2, 4। ठीक, आर का निकला हमारा निकला है 5 और 3/2, 5 और 3/2। एस निकला 2, -1। ठीक, अब हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे। जब चार कोऑर्डिनेट होते हैं, चारों बीच की दूरी निकालनी और उनके विकर्ण निकालें, तभी हम उस आकृति के बारे में बता सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इतना नोट कर लीजिएगा, यह मुझे मिटाना पड़ेगा, उसके बाद हम इनके बीच की दूरी निकालते हैं। इसको नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करिएगा। और मैंने पी क्यू आर एस कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखो बेटा हम निकालेंगे सबसे पहले पी क्यू। तो पी क्यू का मतलब है इनके इनके बीच की दूरी, तो देखो अंडर रूट -1 - 2 + 3/2 - 4 / 2। तो देखिए बेटा यह हो गया -3/2 और यह हो गया 2 × 4 = 8, तो -5/2 / 4। तो फाइनली ये हो गया 9 + 25/4, 9 × 36 = 36 √61/4। क्लियर, यह मैंने PQ निकाल लिया। अब हम निकालेंगे PQ के बाद QR, QR, तो QR बेटा हमारा होगा 2 - 5 + 4 - 3/2। तो देखो बेटा 2 - 5 - 3 + 2 × 8 = 5 / 5/2 यानी 25/4। तो फाइनली अंडर रूट देखिए 9 × 36 = 36 कितना हो गया 61/4। तो बराबर है और अच्छी बात। अब हम निकालेंगे RS। RS का मतलब है इस बिंदु और इस बिंदु के, तो 5 - 2 / 3/2 - 1 तो +1/2 ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको करेंगे तो -+ हो जाएगा। 5 - 2 = 3/9, 3/2, 2 × 1 = 2 और 3 × 5/2 तो ये भी 25/4 आया। तो फाइनली आपका अंडर रूट 61/4 ये भी आ गया, बहुत अच्छी बात। अब हम निकालेंगे PS। PS का मतलब हो गया इनके इनके, तो देखो 2 - 1 तो 2 - 1 तो 1 + 1 हो गया +-1 - 3/2 का होगा। ध्यान दीजिएगा
दो एक तीन का वर्ग नौ प्लस दो एक दो और तीन पांच माइनस पांच बटे दो यानी 25 बटे चार, तो ये भी आपका अंडर 61 बटे चार आ गया। अब बेटा चार हो जाए हमारी कैसी आ गई, बराबर आ गई। आप ये पहले से जानते हैं यदि चार हो जाए बराबर आ जाए तो मेरे पास क्या विकल्प हो सकते हैं, या तो आकृति वर्ग हो सकती है या आकृति समचतुर्भुज हो सकती है। यहाँ पर जो प्रश्न बेटा कहा गया है कि आप यह ज्ञात करिए क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है, आयत है या समचतुर्भुज। तो आयत की तो बात खत्म हो गई चूंकि चारों भुजाएं बराबर आई, अब बात आती है या तो समचतुर्भुज है या वर्ग है। तो यह बात निकालने के लिए मुझे यह दोनों विकर्ण निकालने पड़ेंगे, एक विकर्ण आपका ये और एक विकर्ण ये। तो देखो बेटा हम विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण विकर्ण सबसे पहले निकालेंगे एस क्यू। अब एस क्यू का मतलब क्या हो गया बेटा, इनके इनके बीच तो देखो दो माइनस दो का होगा और प्लस माइनस एक माइनस चार का होगा। तो देखो जितने जीरो हो गया, ये हो गया पांच का वर्ग अंडर रूट 25, तो फाइनली हमारा पांच इकाई आ गया, ठीक। दूसरा विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण हमारा कौन सा होगा, पी आर, पी आर, पी आर इसके तो देखो माइनस एक माइनस पांच का वर्ग प्लस तीन बटा दो माइनस तीन बटा दो का वर्ग। तो यहां पर ये आपका जीरो हो गया, ये छह का वर्ग 36 अंदर रूट 36 माइनस छह, तो ये आपका छह। अब आपको लिखना है चूंकि भुजाएं, जो भुजाएं हैं आपकी पहली भुजा क्या है पी क्यू, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस या एस पी जो भी लिखना चाहो, परंतु विकर्ण जो विकर्ण है आपका एस क्यू वह बराबर नहीं है पी आर के, अतः अगर विकर्ण समान होता तो कहते वर्ग है, अतः आकृति पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। कैसा बेटा है, समचतुर्भुज है, क्लियर। फिर समझ लीजिएगा मैंने क्या किया, सबसे पहले पी क्यू आर एस के निर्देशांक निकाले जो क्रमशः ए बी बी सी सी डी और ए डी के मध्य बिंदु थे, मध्य बिंदु वाला सूत्र एक्स वन प्लस एक्स टू बटे दो वाई वन प्लस वाई टू बटे दो। फिर मैंने चारों भुजाएं निकाली पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी, यह बराबर निकल रहा है, तो बराबर निकलते ही मैंने जान लिया या तो आकृति वर्ग है या समचतुर्भुज है। फिर मैंने दोनों विकर्ण ज्ञात किए, विकर्ण समान नहीं आए इसका मतलब आकृति क्या है, समचतुर्भुज है। नोट करिएगा बेटा, जल्दी नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25 पर, और न्यू सिलेबस जो 2023-24 का है उसकी एक्सरसाइज 7B यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का यह अंतिम प्रश्न है। तो देखिए बेटा एक चित्र दिया हुआ है इस तरह का, यहां पर ए इधर दिया हुआ बी और यहां इस तरह एक बेटा लाइन है, यह आप अपना चित्र देखकर किताब में कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। और ये टोटल 10 लाइन है, एक दो तीन इस तरह, एक दो तीन यहां 10 तक अपनी लाइन किताब देखकर कर लेना, ठीक है बेटा। आगे ये आपका एक इस तरह का बॉक्स दिया हुआ है, बहुत ध्यान समझिएगा, चित्र बुक में दिया हुआ उसको आप बना लीजिएगा। उसके बाद इधर यहां नंबरिंग लिखी है, एक दो तीन ऐसे नंबरिंग लिखी है और अंत यहाँ पे बी दिया हुआ, यहाँ सी दिया हुआ, ठीक। यहाँ पर दो व्यक्ति है बेटा जो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दो ऐसे, एक यहाँ आठ वाली लाइन कोई होगी यहाँ पे, मैं पूरा चित्र नहीं बना रहा हूँ बुक में दिया होगा, एक यहाँ दो की सीध में यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है बेटा, और एक आठ वाली सीध पर यहाँ पर कहीं है, आठ वाली सीध, ठीक, सिंपल सा समझिएगा। अब उन्होंने ये कहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए ए बी सी डी में चूने से परस्पर एक मीटर दूरी पर पंक्तियां, ये बेटा परस्पर एक मीटर दूरी पर पंक्तियां, क्लियर। उसके बाद
1 मीटर दूरी में 100 गमले। यहाँ देखिए इसका प्रत्येक इस दूरी में जो गमला लगे में 100 गमला है, 100 गमला प्रत्येक इस दूरी में कितना कितना गमला लगा है, 100 गमला लगा हुआ है, ठीक है। आगे जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, देखो बेटा यहाँ बाकायदा गमला के चित्र बने हुए किताब में, तो अपनी बुक में दे देना, ठीक है। ये 100 गमला लगे हुए हैं जैसा आकृति दर्शाया। निहारिका दूसरी पंक्ति में, बेटा देखो दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4, देखो बेटा निहारिका चित्र अपना बना लेना, दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4 भाग, एडी का 1/4 भाग, एडी का 1/4 भाग के बराबर की दूरी से दौड़ती है और वहां एक झंडा गाड़ देती है। यानी कि जैसे सपोज करो यहां से उसने दूसरी पंक्ति से दौड़ना स्टार्ट किया, यहां पर उसने एक झंडा लगा दिया। प्रीति, अब प्रीति जो है ये यहां से एक झंडा यहां लगा देती है, प्रीति जो है ये भी मैं लिखूं, प्रीति ये दौड़ रही है 8वीं पंक्ति से एडी का 1/5 भाग, ठीक, 1/5 भाग, बहुत ध्यान से समझिएगा, एडी का 1/5 भाग, ठीक। अब यहां पर जो बेटा गमला दिए हुए हैं, बेटा 100 गमले रखे हैं और ये टोटल सीरीज 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 10 तक दिया हुआ है, 10 तक, तो टोटल ये 100 गमले हमारे लगे हैं, 10 डिवाइडेशन होगा। अब इन्होंने ये कहा तो देखो बेटा ये दूसरी पंक्ति में, तो इसका दूसरी पंक्ति का निर्देशांक एक्स अक्ष के 2 दूरी पर है और वाई अक्ष पर एडी का 1/4, टोटल 100 है, 100 का 1/4 कर लो तो कितना आ गया 25, तो इसका निर्देशांक ये हो गया। दूसरा 8वीं पंक्ति में है प्रीति, तो 8 इसका एक्स अक्ष पे 8 दूरी, एक्स अक्ष देखो ये 2 दूरी थी 8 दूरी पर, और एडी का 1/5, तो ये 100 का 1/5 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया 20, ठीक। इसने यहां पर एक झंडा गाड़ दिया, इसने यहां पर आगे बैठा क्या है बाएं लाल रंग का झंडा गाड़, दोनों झंडों के बीच की दूरी बता मुझे, थोड़ा ये ऊपर नीचे होंगे जैसे चित्र में दिया, उनके बीच की दूरी निकालनी, तो इनके बीच की दूरी दोनों, देखो पहला वाला जो झंडा है पंक्तियां बनाएंगे हरा झंडा, ये हरा झंडा है, ठीक है, हरा झंडा, ठीक, और ये लाल झंडा, लाल झंडा, बहुत ध्यान समझिएगा, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी जो फ्लैग्स हैं उनके भी दोनों झंडों के बीच दूरी, देखो बेटा बीच दूरी मतलब 2.25 तथा 8.20 के बीच की दूरी, तो देखो बेटा 2-8 का वर्ग प्लस 25-20 का वर्ग, तो यह हो गया अंडर रूट -6 का वर्ग 36, 25 में से 20 या 5 का वर्ग 25, तो ये बीच की दूरी हो गई अंडर रूट 61 इकाई। अब मीटर में दिया है, मीटर में दिया तो आप मीटर ले दीजिए, अंडर रूट 61 मीटर, बिल्कुल सिंपल है बेटा, दोनों झंडों के बीच की दूरी हमारी कितनी आ गई, अंडर रूट 61 मीटर। आगे इन्होंने कहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाली रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर, यानी ये जो रेखाखंड है इसके ठीक आधी दूरी पर, यानी कि मध्य बिंदु, तो क्या हो गया इनका मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु पर गुहर लगा रही है ठीक आधी दूरी पर नीला झंडा, यहाँ पर नीला झंडा लगेगा, नीला झंडा, बहुत ध्यान समझिएगा, ये मध्य बिंदु पर नीला झंडा लगाएगी, ठीक। अब देखो बेटा जैसे ये लाइन की हो सकता थोड़ी ऐसी तिरछी है, ऊपर नीचे हो, जो भी हो वो अपना चित्र देख लेना, मध्य बिंदु की बात, तो इन्होंने कहा है ठीक मध्य बिंदु में गाड़, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब देखो बेटा मध्य बिंदु पहले निकाल ले, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु हम जानते हैं दोनों को जोड़ के आधा, तो देखो पहला पहले से जोड़ दिए 2+8/2, दूसरा दूसरे जोड़ दो 25+20/2,
तो ये हो गया 8 2 10 यानी 5 कोमा ये हो गया 45/2 यानी कि 22.5। तो इन्होंने पूछा है कि वो अपना पीला झंडा जो है उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो देखो बेटा, तो ये नाम दिया रश्मि, तो आप देखो उसे अपना झंडा पांचवी रेखा, क्योंकि पहला पड़ी है कितना 5, पांचवी रेखा में 22.5 मीटर की ऊंचाई पर गाड़ना चाहिए। ठीक है, देखो सीधा सा सिंपल, ये यहाँ पर देखो ये यहाँ से स्टार्ट, ये 2 पे है, ये 8 पे है, तो 3 4 5 6 7, तो देखो इधर 2 छूट गए, 2 इधर छूट गई, या हो गया मध्य बिंदु 5 में। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आया वो आया 5.5, तो पांचवी लाइन में 22.5 ऊंचाई पर या दूरी पर जो लिखना चाहो, इतनी दूरी पर वह अपना येलो कलर सॉरी ब्लू कलर का झंडा लगाइए, नीले कलर का। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति समाप्त होता है। ध्यान रखिएगा पुरानी बुक और नई में थोड़ा अंतर है, यह 2023-24 डॉक्टर मनोहरे की जो बुक पब्लिश होकर आई है उसके अकॉर्डिंग मैं सिलेबस करा रहा हूँ। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।